हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से दो बहुत ही बड़ी वैकेंसियां आई हुई हैं, आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2019। दोस्तों, इन दोनों एग्जामों को देखते हुए हम आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस पेपर को सॉल्व करवाने जा रहे हैं, जो एग्जाम हमारा 18 अप्रैल 2016 शिफ्ट 2 को हुआ था। दोस्तों, इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं, हम जीएस के सेक्शन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से हम पहले यही कहना चाहेंगे कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर का सबसे पहला प्रश्न हमारा जीएस का है, ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है। आपके सामने ऑप्शन है न्यूटन, डेसीबल, सोन्स और फॉन्स। दोस्तों, जो इसका आंसर हमारा है वो डेसीबल, बी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका आंसर बी होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संबंध में WW का क्या विस्तार है। आपके सामने ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेव, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड, होल वर्ल्ड वेव और वाइड वर्ल्ड वेव। तो दोस्तों, जो इसका आंसर हमारा है वर्ल्ड वाइड और वेव, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। दोस्तों, आप यहां पे देख पा रहे हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपके सामने ऑप्शन है वाहनों के रियर व्यू मिरर में, शीशे की खिड़कियों में, मेकअप दर्पण में, कैलिडोस्कोप में। आपका जो आंसर होगा दोस्तों हमारा ए हो जाएगा, वाहनों के रियर व्यू मिरर में, यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए। दोस्तों, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, पंचतंत्र में कौवे का नाम, कच्चे रूप में पेट्रोल, रैम्प जेल का दूसरा नाम, मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर। तो दोस्तों, जो आपका आंसर हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा, मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर, आपका आंसर डी होगा। दोस्तों दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा राज्य बना। आपके सामने ऑप्शन है भारतीय, पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश। दोस्तों, जो इसका आंसर हमारा है वो पुर्तगाली है, पुर्तगाली राज्य बना था। आप देख पा रहे हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी झील सलाइन झोल सोडा झील है, जो उत्पाद उल्कापात के प्रभाव से बुलधाना जिले में बनी थी। दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है लोनार झील, नकरू झील, साला झील, मोनो झील। दोस्तों, जो इसका आंसर हमारा है वो ए है, लोनार झील। आप यहां पे देख पाए हैं, इसका आंसर हमारा लोनार झील है। दोस्तों दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में सत्या नडेला की जगह किसने ली है। दोस्तों, ये 2016 का क्वेश्चन। दोस्तों, तो आपके सामने ऑप्शन है JW थॉमसन, स्टीव बाल्मर, एमी हुड, बिल गेट्स। तो दोस्तों, जो इसका आंसर है हमारा स्टीव बाल्मर, भी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर, पिंक सिटी भी कहा जाता है। दोस्तों, पिंक सिटी ऑफ इंडिया कौन सा हमारा शहर है। ऑप्शन आपके सामने है जयपुर, जोधपुर, जबलपुर और सोलापुर। तो दोस्तों, जो इसका आंसर आ जाएगा हमारा वो जयपुर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली। दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है भारत, ब्रिटेन, पाकिस्तान और बर्मा। दोस्तों, जो इसका आंसर हमारा है वो सी है, 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश घोषणा किया था पाकिस्तान से अलग होने की। दोस्तों, आपके सामने आंसर हमारा है पाकिस्तान। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश क्या है। आपके सामने ऑप्शन है विलायक, घुला हुआ पदार्थ, कोलाइड, सस्पेंशन। दोस्तों, आपका जो आंसर है हमारा वो हमारा घुला हुआ पदार्थ, साल्यूट यानी बिले। इसका आंसर दोस्तों हमारा बिले है, यानी घुला हुआ पदार्थ, ऑप्शन बी आपका सही होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, प्रिज्म क्या करता है। दोस्तों, हमारे सामने ऑप्शन है प्रकाश का प्रतिबिंबित करता है, यह प्रकाश को गुजरने से रोकता है, यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर करता है, यह प्रकाश को उसके मार्ग से अपरिवर्तित कर देता है। दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वो डी सही होगा हमारा, यह प्रकाश को उसके मार्ग से अपरिवर्तित कर देता है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन है 4 फरवरी, 5 मार्च, 12 मई, 30 अगस्त। दोस्तों, जो आंसर हमारा है वो है हमारा 4 फरवरी। दोस्तों दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, तो आप इसका ध्यान रखें, आप कमेंट करें विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, HF चिन्ह के एलिमेंट हैफनियम का नाम निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया गया है। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों जर्मनी, कोपेनहेगन, स्वीडन और फ्रांस। दोस्तों, जो आंसर हो जाएगा हमारा वो बी हो जाएगा, कोपेनहेगन,
आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका आंसर कोपेनहेगन है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को एमसीसी लॉर्ड्स की मानद सदस्यता प्रदान की गई है दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन है हमारे महेंद्र सिंह धोनी, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर। दोस्तों आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सौरव गांगुली, यहाँ पे बी आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी चर्चित प्रश्न है दोस्तों, शायद सभी को पता भी होगा। तो आपके सामने ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबल, फिलिपस फारसेल्सस, लुई पाश्चर, सर हैम्फ्री डेवी। आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा अल्फ्रेड नोबल, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? आपके सामने ऑप्शन है 1947, 1950, 1951 और 1952। दोस्तों जो इसका आंसर हमारा 1950, आंसर नंबर बी सही होगा दोस्तों हमारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, देश बंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था दोस्तों? आपके सामने ऑप्शन है लक्ष्मी सहगल, एन जी रंगा, कन्नेगति हनुमंतु, तिरुपुरु कुमरन। तो आपका जो दोस्तों आंसर है वो हमारा डी है, तिरुपुरु कुमरन आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, शरीर का वह कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है दिल, पित्ताशय, गुर्दे और स्प्लीन यानी तिल्ली। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सी, गुर्दा, ये हमारा रक्त को शुद्धिकरण करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कौन सा दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। आपके सामने ऑप्शन है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कंसाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों जो हमारा आंसर है वो ए है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी कौन है दोस्तों? आपके सामने ऑप्शन है टाइगर वुड्स, डेनियल ब्रुक्स, स्टॉक हेंडरसन, निक फ्लेगन। आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो टाइगर वुड्स, ए आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी कौन सा है? आपका आंसर टाइगर वुड्स। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो खिलाड़ी जो हमारे फुटबॉल खिलाड़ी हैं वो किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं दोस्तों? आपके सामने ऑप्शन है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पुर्तगाल और इंग्लैंड। दोस्तों जो आंसर हमारा है वो पुर्तगाल है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हमारे हैं वो पुर्तगाल से हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा दोस्तों? आपके सामने चार ऑप्शन हैं, खफरी पिरामिड, मेनकाउर पिरामिड, खुफू पिरामिड, जेडफ्रे पिरामिड। आपका जो दोस्तों आंसर हमारा है उसी है, खुफू पिरामिड। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं खुफू पिरामिड आपका आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं दोस्तों? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चार ऑप्शन आपके हैं, अमेठी, वाराणसी, इंदौर और पटना। दोस्तों अभी तक करती थी, अब शायद करें या ना करें वो आगे की बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हमारा इंदौर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है दोस्तों? आपके सामने चार ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंट्रोल यूनिट और प्रोग्राम्स। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ से जोड़ सकते हैं इसको, जैसा मनुष्य का नर्वस सिस्टम होता है वैसे कंप्यूटर का भी एक नर्व सिस्टम होता है, सेंटर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम कंट्रोल यूनिट को लेंगे, हमारा आंसर जो हो जाएगा हमारा कंट्रोल यूनिट, बिल्कुल सही आंसर है हमारा, सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, पानी का घनत्व क्या है दोस्तों? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1000 किलो पर घन मीटर, 10 किलो पर घन मीटर, 1 किलो पर घन मीटर, 100 किलो पर घन मीटर। आपका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा, 1000 किलो पर घन मीटर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, आनुवंशिकता के नियम किसने प्रतिपादित किया यानी किसने प्रस्तावित किया? आपके सामने चार ऑप्शन है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस, जॉन मेनार्ड केयंस, ग्रेगर मेंडल और डोनाल्ड बेयर। दोस्तों जो इसका आंसर है काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल ने, हमारा आनुवंशिकता का जनक माना जाता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय फिल्म उद्योग के सेलुलॉयड मैन का नाम बताएं जिनकी मृत्यु हाल ही में हुई थी दोस्तों। दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन हैं, डेविड बोवी, पी के नायर, रविंद्र जैन और स्वरूप परिंदा। तो आपका जो दोस्तों आंसर हमारा वो बी है, पी के नायर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, कंप्यूटर कीबोर्ड, कंप्यूटर माउस, टेलीफोन और टेलीविजन। दोस्तों जो आपका आंसर है हमारा वो बी हो जाएगा, कंप्यूटर माउस। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है,
13वीं सदी पे बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है हमारा। आपके सामने चार ऑप्शन, महिपाल, लक्ष्मण सेन, शशांक और ग्रहवर्मन। दोस्तों जो हमारा आंसर है वो लक्ष्मण सेन, आंसर बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है? आपके सामने चार ऑप्शन हैं, कॉकरोच, केंचुआ, घोघा, स्टार मछली। आपके जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी हो जाएगा, घोघा, ये मोलस्का संघ से बिलोंग करता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पहले के चेरा वंश, चेरा डायनेस्टी वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था? दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन है, तमिलनाडु और केरल, बंगाल और उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, महाराष्ट्र और गुजरात। दोस्तों जो हमारा आंसर है वो तमिलनाडु और केरल है, ए ऑप्शन ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, मेकिंग इंडिया औसम पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन, अरुंधति राय, कैलाश सत्यार्थी, सचिन गर्ग और चेतन भगत। दोस्तों जो हमारा आंसर है वो डी है, चेतन भगत, इन्होंने मेकिंग इंडिया औसम लिखा। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन है, कपिल देव, सुनील गावस्कर, प्रकाश पादुकोण, विश्वनाथ आनंद। दोस्तों जो हमारा एक्यूरेट आंसर है हमारा बी है, सुनील गावस्कर। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन है, केरला, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और गोवा। दोस्तों हमारा एक्यूरेट आंसर है वो हमारा लक्षद्वीप है। दोस्तों इस सेट का ये 85 नंबर का प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, आपका आंसर यहाँ पे सी है, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, अंतरिक्ष की सैर करने वाली सर्वप्रथम चीनी महिला कौन थी? दोस्तों यहाँ पे चार ऑप्शन है, वांग यापिंग, यी सो योन, लियू यांग और येलेना सेरोवा। आपका जो एक्यूरेट आंसर हमारा है सी दोस्तों, लियू यांग, लियू यांग आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्नकेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था? दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन है, होयसल, यादव, चोला और पाल। दोस्तों आपका जो एक्यूरेट आंसर हमारा है वो होयसल है, होयसल यहाँ पे से इसका आंसर है, आपका आंसर ए है दोस्तों, होयसल। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपके सामने चार ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन के और विटामिन सी। दोस्तों जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आंसर डी होगा, विटामिन सी। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, सूखी बर्फ क्या है? दोस्तों ड्राई आइस। आपके सामने चार ऑप्शन, सूखा हुआ बर्फ, रेगिस्तान में जमी हुई बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ठोस रूप। दोस्तों जो आपका एक्यूरेट आंसर है वो हमारा सी है, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप, यही हमारा सूखी बर्फ है। दोस्तों ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बार बार आने वाला प्रश्न है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन है, नमक, हाइड्रोजन, कास्टिक सोडा और साइट्रिक एसिड। आपका एक्यूरेट आंसर हमारा नमक है दोस्तों, आंसर ए सही होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? दोस्तों हमारा ऑप्शन है, मार्जिनल इनपुट स्टोरेज, मिनिमम मिनियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, माइक्रो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टोरेज, मेमोरी इमेज प्रोसेसिंग स्टेट। दोस्तों जो एक्यूरेट आंसर हमारा है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MIPS, काफ़ी पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन GS का यही था और हमारा GS का पूरा सेक्शन समाप्त हुआ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए और इसी तरह की वीडियो चाहना है तो कमेंट करें दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि बेल आइकन के द्वारा ही हम आपके पास मैसेज पहुँचा सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।